Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. आज का व्लॉग क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मेरे दिल के करीब है. ये व्लॉग है ओल्ड होम टूर का. आप लोगों को हमेशा से जानना था मैं कहाँ रहता था, कैसे रहता था, कहाँ जाता था, कहाँ नहीं जाता था. वो सारी जगह, वो सारी चीजें, वो सारे मोमेंट को मैं आप लोगों के साथ में उस जगह जाके शेयर करने वाला हूँ. सो लेट्स गो गाइज, बहुत एक्साइटेड हो गए. वापस से उस जगह जा रहा हूँ मैं 3 साल बाद. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. ये स्कूल का यूनिफॉर्म देख रहे हो आप सब बच्चे लोग का, ये जो यूनिफॉर्म है ये मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म था. मैं यही स्कूल से हूँ, PHS पुरुषोत्तम हाई स्कूल. ए अन्ना, क्या बोलते हैं? यार मस्त है. ये है मेरी स्कूल, आप देख सकते हो लेफ्ट में कैसा है. ये है वो आप ऊपर बिल्डिंग देख सकते हो, 3-3, 4-4 वाले ये. और अभी आगे लेन और नहर होते जाएगी. लेट्स गो, ऊपर चलते हैं. गाइस ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हो ना, ये स्टेयर्स फैसल से मिल रहा है. आप देख सकते हो, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और चौथे में ऊपर आया. तो ये हम पहुंचे अभी सेकंड फ्लोर, अब हम जाएंगे थर्ड पे. और फिर इसके ऊपर एक फोर्थ, के ऊपर एक फोर्थ, समझे? हमारा खुद का एक बिल्डिंग था. तो गाइज ये है सोहेल, और सोहेल ने फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में थिएटर लेके गया था. हम लोग 50-50 की 2 टिकट और चिप्स वगैरह लेके गए थे. भाई थैंक यू, तूने मुझे थिएटर लेके गया, अब तेरी बारी है. थिएटर में मेरी पिक्चर देख रहा है तुझे. क्या मेरा भाई. तो सोहेल अभी रह रहा है गाइज, अभी मैं 360 में आप लोगों को बताता हूँ इस घर में क्या क्या चीजें होती थी और क्या क्या मैं करता था. A few moments later. मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, ना मैंने आज तक कभी किसी को रिवील किया कि मेरा घर कैसा था, मैं कहाँ रहता था, किस तरीके से रहता था और कितना बड़ा घर था या कितना छोटा घर था. बट आज मैं बता रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे लेके आया है और मेरे फैंस लोग भी मुझे ऐसी जगह ले आए हैं कि अब मुझे भी इतना ड्रास्टिक चेंज हो गया है मेरी लाइफ में, मेरी जर्नी में, कि मुझे भी यकीन नहीं होता है. इमोशनल होने का मन भी हो रहा है, एक्साइटिंग होने का, एक्साइटेड होने का भी मन कर रहा है. बट समझ में नहीं आ रहा मैं इन दोनों के बीच में हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हो इस जगह को. मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं भूल गया, सॉरी गाइस, कि मैं किधर पे क्या करता था, कैसे क्या रहता था. तो ये मैं ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में ये हमारा हॉल था, बस ये इतना ही हॉल है. और ये बेड है इधर पे, मतलब एक बेड था जिधर पे मैं लेटता था, सिर्फ मेरे लिए था क्योंकि मैं हमेशा से ऊपर ही लेटा हूँ, नीचे लेटने ही नहीं हो पाता था. तो इतने से मैं ऊपर लेटता था पाटिया पे. ये अलमारी थी, जो भी कुछ सामान, कुछ कुरान शरीफ रखना है, कोई कुरान शरीफ रखना है तो हम लोग ऊपर रखते थे यहाँ पे. और यहाँ पे ये नहीं था, ये कबर्ड नहीं था, ये तो सोहेल ने रखा. ये फ्रिज हमारी थी, ये हमारा किचन था. तो किचन में ये सब चीज़ें रखी रहती थी, इधर पे क्या था, अम्बी का था, जो भी था, याद नहीं है मुझे. बट सबसे खतरनाक बात, सोचो कि अब आप सोच रहे होंगे कि वॉशरूम कहाँ है, वॉशरूम कहाँ जाता था. तो वॉशरूम भी ये है गाइस, ये रहा वॉशरूम. तो ये है वॉशरूम, मैं जब भी वॉशरूम में जाता था तो मैं ऐसा रहता था क्योंकि मैं स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाता था, स्पेस बहुत कम होती थी. और बस गाइस यही छोटा सा घर था मेरा. और इसके ऊपर जो था वहाँ पे मैं वीडियोस बनाता था, मैं अभी आप लोगों को वहाँ लेके चलूँगा. बट ये जो 4 माले की जर्नी थी बांद्रा टू गोरेगांव तक की, वो बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी थी. अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि मैं किस मुकाम पे आ गया हूँ. तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार ने मुझे यहाँ से वहाँ तक ले गया. तो टोटल हम लोग 5 मेंबर्स रहते थे, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, अम्मी, अब्बू और मैं. जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई तो हम लोग फिर 4 जन थे यहाँ पे.
मेरी छोटी बहन, अम्मी, अब्बू और मैं। फिर उसके बाद अभी मेरा रूट शिफ्ट हो गई, तो अभी हम लोग चार लोग रहते हैं। एक भाई के लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि उसने अपनी बहन को एक अच्छी जगह ले गया। ये जगह बहुत अच्छी है और इस जगह से मेरी बहुत मेमोरी है, बट हर कोई अपनी लाइफ में अपग्रेड होना चाहता है गाइस। और मैं भी मेरी लाइफ में अपग्रेड हुआ और मेरी बहन को, मेरी मम्मी डैडी को मैंने अच्छी जगह लेके गया। ये भी अच्छी जगह है। मैं अगर कहूँ आपको तो फेम मिलने के कितने टाइम तक मैं यहाँ पे था, और मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जाके शिफ्ट हो सकता था, बट पता नहीं यार बड़ी दुनिया थी बाहर की, चकाचौंध इतनी सारी चीज़ें, तो मैं सोचता था कि यार बाहर चला जाऊँगा। कभी कोई ऐसी चीज़, हर किसी के दिल में डर होता है जो जहाँ ज़मीन से जुड़ के आता है, उसके हर किसी के दिल में डर होता है कि यार वो इतना आगे आने के बाद में कभी पीछे गिर गया तो वो चीज़ का मेरे को डर था, क्योंकि यहाँ जो इज्जत है वो चली जाएगी तो फिर यहाँ भी हम नहीं रह पाएंगे। तो फेम आने के बाद, पैसा आने के बाद में भी एक डर था कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ बाहर। बट जब एक स्टेबिलिटी आई, जब मुझे लगा कि हाँ मैं अब जा सकता हूँ, मैं घर ले सकता हूँ खुद के लिए, तब मैंने बाहर गया। बाहर जाके मैं रेंट पे रहा, घर लिया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह घर 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 हो गए माशाल्लाह। और बस उस जगह की मुझे याद आई और मैंने सोचा कि यार मैं ये चीज़ को आप लोगों के साथ में शेयर करूँ और मैं बताऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है गाइस, मेन मकसद यही है कि मेरे कुछ भाई है या कुछ बहन है जो अपनी लाइफ में रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ कहूँगा कि यार कभी भी कोई भी मेहनत ख़राब नहीं जाती है, मेहनत करते रहो। और मेहनत के पीछे ऐसी सफलता भी है गाइस, और इससे ज़्यादा भी है या इससे थोड़ा कम भी है, बट सफलता तो है। तो मैं यही कहूँगा गाइस कि आज आप इतनी छोटी जगह से मेरे को इतनी बड़ी जगह पे देख लो, तो आप खुद को भी देखो और इंशाल्लाह आप भी वो मुकाम पे जा पाओगे। गाइस मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, मैंने ये चीज़ समझी है, मेरी जर्नी को देखी है, और मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर ये चीज़ मैं कर सकता हूँ तो गाइस आप सब लोग कर सकते हो। यार ये मेरा काम नहीं, आप अपने काम भी कुछ अच्छा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती गाइस, लेट्स गो। सो ये फिफ्थ फ्लोर और ये हमारा टेरिस था, बट सोहेल ने इसको बहुत अच्छा अपग्रेड कर दिया, उसने एसी लगा दिया है, बहुत सारी चीजों में चेंजेस कर दिया है। बट मैं आपको ग्राफ बताता हूँ पहले का कैसे था। तो ये सिर्फ जो इतना हिस्सा आप देख रहे हो, इतना हिस्सा ही था, और इधर से लाइट आती थी, पता नहीं अभी सोहेल ने इसको भी बंद कर दिया। ये एसी, ऐसी एसी तो हमने कभी घर में अपने देखी नहीं थी, बट सोहेल ने इसको अपग्रेड कर दिया, क्या बात है। और सो ये जो इतना हिस्सा था, इतने हिस्से पे गाइस लाइट आती थी, और ये मेरा बैकड्रॉप होता था। पहले इतनी हाइट तो नहीं थी मेरी, बट इतनी हाइट थी, और इधर में मैं पीछे कपड़ा लगाता था, और सामने से सनराइज भी आती थी तो मैं यहाँ पे शूट करता था। जैसे कि आप देख सकते हो इसने यहाँ पे फैन लगा दिया है, वो भी फैन है बड़े, वहाँ एसी है, ये सब पूरा खुला हुआ था, ये बोल सकता हूँ सोहेल। हाँ, तो भी इसने पूरा पैक कर दिया, बाहर से भी कपड़ा लगा दिया है, तो इधर से सबके कारखाने दिखते थे, यहाँ से लाइट आती थी, और अब्बू इधर पे कबूतर पालते थे, अब्बू को बहुत शौक है कबूतर पालने का। अभी तो बहुत खुश हूँ मैं कि सोहेल ने इसको इतना ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। टीवी आ गई, टीवी भी आ गई गाइस, घर पे जो टीवी नहीं थी कभी, टीवी भी आ गई है। हम जाएंगे सोहेल की शॉप पे, जहाँ पे मैं सुबह सुबह दो कड़क कोस और दो मस्का लेने जाता था, और सोहेल देता था हर वक्त। सोहेल तुझे याद है कि नहीं पता नहीं, बट मैं सब याद रखा हूँ, इसके ऊपर उधारी भी बहुत है, मतलब मुझे देनी थी इसे। लेट्स गो गाइस, अभी मैदान जाएंगे, मैदान से शॉप पे जाएंगे, और फिर वहाँ से घर। क्या हो रहा है? अरे
इसकी कुंडा ही गई नहीं है अभी तक। इंसान इतना अपग्रेड हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है इंसान को। रहमान ले लिया भाई, अभी आधा घंटा यही है। चले चले क्लियर करो बेटा। आमिर मेरे घर के पास ही बैठ रहा था। कैसा आमिर? बैट बॉडी बॉडी बना लिया यार। So guys, ये one of my friend Altaf. Altaf कैसा है भाई? भाई शायद ना। ये हमारा group member है guys. हम लोग को बहुत जिम अच्छा है और तरक्की मिले। अच्छा लगा भाई तेरे को? मैं इसको जब से निकला हूँ अभी तक नहीं देखा, अब देख रहा हूँ। चल आमिर, अल्लाह हाफिज। घर पे आ, कभी घर पे भाई। दिल्ली से आया हूं भाई। चलो शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो शटअप। शॉर्ट हो गया था गाइस, मगर मजा आ गई। थोड़ा सा पब्लिक ज्यादा ओवरटेक करने लग गई थी, बट बहुत अच्छा बना। अच्छा अपन ने स्पॉट प्ले किए कि अपन पहले घर गए फिर इसके बाद में आने, तो इतनी पब्लिक घर पे आ जाती थी। सब घर के नीचे। हाँ नीचे नीचे ऐसे इतने सारे लोग घर के नीचे नॉर्मल भी रहते थे जब मैं वहाँ रहता था, इतना जमा होते थे। बट मजा आ गई यार, मेरी पूरी यादें ताजा हो गई। मैं ऑलमोस्ट कितने सारे लोगों से तो मिल लिया जो मेरे अपने थे, बट यार कसम से यार क्या फील था यार, क्या फील था। बहुत अच्छा लगा गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और क्या बोलूँ यार, मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोगों से मैं मिल लूँगा जो मेरे अपने थे, मैं जिन्हें बहुत अच्छे से बहुत पुरानेपन से मिलता था, उनके साथ उठता बैठता था। कुछ चीज़ें थी जो मैं और बताना चाहता था बट मैं नहीं बता पाया। अरे बाप रे, देखो एक और दोस्त इधर है। क्या बोल रहा है? वालेकुम अस्सलाम, मस्त एकदम। किधर घूम रहा है? बस सही है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोग आए जिनसे जिनसे मुझे मिलना था मैं मिला। बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं नहीं मिल पाया, जिनके साथ में मैं डेली उठता बैठता था और मैंने अपना घर भी एक्सप्लोर किया। और बहुत खुशी हो रही है कि चीज़ें इतनी सारी बदल चुकी है। बहुत खुशी इस चीज़ की भी हो रही है कि लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया कि मैं अपनी लाइफ में अपग्रेड हुआ। बट इससे अच्छी खुशी कुछ नहीं थी जो आप लोगों ने पूरे व्लॉग में देखा, क्योंकि मैं बता देता हूँ गाइज आप लोगों को, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे पास ऑप्शन था जाने का, बट पता नहीं यार इस जगह की बात ही अलग थी और इस जगह का जो लोगों का प्यार था वो अलग था। अब फ्लैट में लोग चले जाते हैं, बाजू वाले को नॉक नहीं करता है, कोई किसी को पूछता नहीं है, बट यहाँ पे जो चहल पहल थी, यहाँ पे लोगों का मिलना मिलाना, कभी रात में उतर गए तो कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, पीने के लिए मिल रहा है, दोस्तों के साथ घूमने मिल रहा है, कोई भी दोस्त कोई भी टाइम पर उसकी अवेलेबिलिटी होती थी, वो सबका एक्सपीरियंस ही इतना अलग था। ऐसा फील हो रहा है कि यार एक इधरी पे अच्छा घर बना के वापस आ जाऊँ, बट मैं परेशान हो जाऊँगा फोटो खिंचा खिंचा के।
बट यार थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच मेरी जर्नी को इतनी इंस्पायरिंग, इतना प्यार देना और इतनी मेमोरेबल बनाने के लिए. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.